बतौर बाल कलाकार बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विनोद मेहरा की आज पुण्यतिथि है। 30 अक्टूबर 1990 को महज 45 साल की उम्र में विनोद मेहरा ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। विनोद मेहरा ने एक हीरो के तौर पर अपने करियर की शुरुआत 1971 में फिल्म एक थी रीता से की थी। इसमें उनके साथ अभिनेत्री तनुजा थी। विनोद मेहरा के फिल्मी करियर की गाड़ी की रफ्तार ठीक चल रही थी। अपने किए पे कोई पछतावा नहीं तुझे? कभी इन बागों का मालिक मैं था, आज मजदूर हूँ। ये सब तेरे कारण नेकी, तेरे कारण। नेकी नहीं, मालिक कहो मालिक। धिक्कार है मुझ पर जो मैं तुझे मालिक कहूँ। मुझे पता न था कि तू यहाँ कब्जा कर बैठा है, वरना यहाँ पाँव रखना तो दूर, मैं थूकता भी नहीं यहाँ पर। इसी बीच उनकी माँ को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। विनोद मेहरा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। माँ की पसंद से ही उन्होंने मीना ब्रोका नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद विनोद मेहरा को दिल का दौरा पड़ा। वो ठीक तो हो गए, लेकिन उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। विनोद मेहरा का दिल अपनी हीरोइन विद्या गोस्वामी पर आ गया था। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना विद्या से शादी कर ली। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी मीना को तलाक दे दिया। विनोद मेहरा और बिंदिया का रिश्ता भी ठीक नहीं चला। इसी बीच बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा को छोड़ निर्देशक जेपी दत्ता से शादी कर ली। बिंदिया के जाने के बाद विनोद मेहरा काफी समय तक सिंगल रहे। विनोद मेहरा और रेखा के बीच अफेयर की खबरों ने उस दौरान खूब सुर्खियां बटोरी। यासिर उस्मान की किताब रेखा एंड अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक विनोद मेहरा ने रेखा से शादी की थी। ये शादी कोलकाता में हुई थी। इसके बाद विनोद मेहरा रेखा को अपने घर ले गए, लेकिन विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा ने रेखा को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। रेखा जब विनोद मेहरा के घर पहुंची तो उन्होंने सास के पैर छूने चाहे, लेकिन कमला मेहरा ने रेखा को धक्का दे दिया। कमला ने रेखा को घर में घुसने नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने रेखा को खूब खरी खोटी सुनाई और गालियां भी दी। उस वक्त विनोद मेहरा ने रेखा से उनके घर चले जाने के लिए कहा। बाद में रिश्ता टूट गया। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं। विनोद मेहरा ने तीसरी शादी 1988 में किरण नाम की लड़की से की थी। शादी के 2 साल बाद ही विनोद मेहरा की मौत हो गई। किरण और विनोद के 2 बच्चे हुए, बेटा रोहन और बेटी सोनिया। ये दोनों ही आज इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। amarujala.com अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।